हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और आज शुक्रवार है। मम्मी पूजा करने बैठी है, मैं यहाँ सीढ़ी पे बैठी हूँ। 7:15 का टाइम हो रहा है, देखिए। और मम्मी पूजा कर रही हैं तो मैं भी अब बस जा ही रही हूँ वहाँ पे बैठने। तो आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए लक्ष्मी माँ की पूजा करने में। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर के पास। तो और ये क्लिप, ये वीडियो में काफ़ी पुरानी क्लिप भी ऐड की है। ये मंदिर में मम्मी पूजा कर रही हूँ, मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो धैर्य को मैंने बोला था कि शूट कर लो, तो अच्छा लगता है ना, पूजा पाठ होता है ना, तो ऐसा लगता है कि इसको भी हम अपने वीडियो में ऐड कर लें। भगवान के बिना तो सब अधूरा ही लगता है, तो हमारे हर चीज़ में ऐसा लगता है ना, हम सबसे पहले उनको शामिल करते हैं। और ये मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मम्मी को पूजा में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो पानी सब कुछ लेके बैठती हैं। और आरती तो हम सुना नहीं सकते हैं, तो इसके लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इच्छा तो बहुत होती है पर कोई मतलब नहीं है ना, फिर वो आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। और बस पूजा पूरी होने के बाद मैं अब खाना बनाने जा रही हूँ। ये क्लिप बहुत पुरानी है, यहाँ पे मैं रबड़ी बना रही हूँ। तो रबड़ी के साथ साथ यहाँ पे समोसे भी बन रहे हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। किसी ने डिमांड की थी कि मैं समोसे बना के बताऊँ वीडियो में, तो मैंने बोला जब मैं बनाऊंगी तब बनाऊंगी, अभी तो जो मेरे पास क्लिप है तो ला उसको ऐड कर देती हूँ। तो रबड़ी मैंने बनने रख दी है, ये बनती रहेगी। और साइड में मैंने आलू बॉईल कर लिए, मैश कर लिए, और इसमें ये मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना के डालूंगी। और मटर मटर भी बॉईल हो रही, मटर भी डालूंगी। और ये मैंने समोसे का आटा लगा लिया है। और ये देखिए मेरा स्टफिंग तैयार हो गया है यहाँ पे, और ये मेरे समोसे बनने लगे। तो जिस जिसको पसंद है वो खा लीजिए। और फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो शायद इतने में समझ में आ गया होगा, आप जिस तरह का मसाला खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने खाली लहसुन मिर्ची शायद मैंने अलग से ऐड की है, या आप लोग करते भी होगे तो ज़रूर बताना कौन कौन करता है या नहीं। और गरम मसाला आप जैसा खाना चाहो, हम लोग तो बहुत कम मसाले खाते हैं इसलिए हमने नहीं डाले थे, नहीं तो गरम मसाले हैं, कोई खट्टा मीठा खाता है, जो भी आप जिस तरह से बनाना चाहो उसमें ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरह से आप बना सकते हो। और यहाँ पे मैं भर रही हूँ, ऐसे भर भर के साइड में रखती जा रही हूँ और कुछ सीखते जा रहे हैं। और बस मेरे समोसे तैयार हो जाएंगे। तो जिसने डिमांड की थी वो अब पता नहीं ये वीडियो उन्होंने देखा भी होगा कि नहीं, या देखते होंगे कि नहीं, तो ज़रूर देख लें। आपकी फरमाइश पे ये मैंने बनाए थे तो ऐड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मेरी रबड़ी बनके तैयार हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। आइए आप लोगों को मैं खिला रही हूँ, आप लोग भी मुँह मीठा कीजिए। और जो समोसे बनने के बाद जो मैदा बची थी ना, उससे मैंने ये नमकीन पारे बना लिए हैं, तो इनको भी मैं सेकती जाऊँगी। और ये मेरी उस दिन की थाली है, ये पुरानी क्लिप है, आप लोग समझ ही गए होंगे, ये उस दिन का पूरा खाना था। और ये देखिए कॉर्न चाट मैंने बनाई थी, ये मैंने इसको मकई को उबाल लिया था, फिर उसके बाद इनके दानों को छील के इकट्ठा करके फिर मैं चाट बनाने जा रही थी। ये तो कल की है, एक दिन पहले की है। और ये मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च ली है, नींबू भी डाला था इसमें। तो बस अब मैंने इसमें तेल गरम करने रख दिया है। बटर होता तो बहुत अच्छा था, मेरे पास बटर नहीं था, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूँगी। और प्याज टमाटर को, आधा प्याज टमाटर कच्चा रखा था, आधा मैंने इसमें पका लिया था, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। बारिश के टाइम पे ऐसी चटपटा अच्छा लगता है, भुट्टा है ना, बहुत तरह से पहले तो भून के ही खाते थे, उतना ही पता था, अभी तो इतने सारी चीज़ें बनने लगी हैं। ये अमेरिकन मकई आ गई ना, ये बहुत टेस्टी लगती है, मीठी लगती है, और धैर्य को तो बहुत पसंद है। फिर मैंने सोचा हम लोग, हमारा व्रत चल रहा है ना, तो दोपहर में बनाएंगे तो हम भी थोड़ा सा खा सकते हैं, तो इसके लिए हमने इसको दोपहर में ही बनाया था। और बस ये सब आधा भूनने के बाद फिर आधा कच्चा डालूंगी ऊपर से, बहुत जल्दी बन जाता है, फटाफट बनने वाला है, अपने पास मकई हो ना तो तुरंत बना सकते हैं। अब मैंने चाट मसाला ले रही हूँ ऊपर से, मैंने कहा लाओ थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देते हैं। और I used to think if I couldn't find hope I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look for where you can go. Change just
कैसा लग रहा है दिखने में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी बना था, तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करना। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम चटपटा सा। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।